अब अगला पॉइंट करने वाले हैं शेयर फॉर फ्यूचर एंड री इशू। सर री इशू का मतलब क्या होता है? री इशू का मतलब होता है दोबारा बेच देना, दोबारा बेच देना। जैसे मान लो ये कंपनी है और ये राम है, राम शेयर को देने में फेल होता है, तो जैसे ही राम शेयर को पैसे देने में फेल हो गया, कंपनी क्या करेगी, जो इसका शेयर सर्टिफिकेट है वो छीन लेगी और अपने पास रख लेगी। फिर कंपनी क्या करेगी, एक नए व्यक्ति को ढूंढेगी, एक नए व्यक्ति को ढूंढेगी। मान लो इसको मिल गया मोहन, इसको मिल गया मोहन, और इससे डील करके, और कंपनी क्या करेगी, ये वाले जो शेयर थे ना इससे छीने थे, इससे डील डन करके किसको दे देगी, जाके मोहन को दे देगी। तो अब हमने इसके शेयर्स को फिर दोबारा से लेके किसी और को दोबारा दे दिया मैंने, तो इसको बोला जाता है री इशू। तो री इशू का मतलब क्या है, हम पुराने वाले शेयर होल्डर से शेयर छीन लेंगे और नए वाले को दे देंगे, ठीक है ना। तो अब हम देखने वाले हैं सर री इशू का कॉन्सेप्ट, और एक सवाल जो हम कर रहे थे उसी तरीके से रखेंगे। मान लेते हैं मेरा इशू जो है, सपोज करो इशू मेरा 10,000 है और 10 रुपये का एक शेयर है, 10 रुपये का एक शेयर और री इशू है। सर यहाँ पे फिर से अगेन वही रखते हैं, 5 रुपये, 3 रुपये और 2 रुपये। राम, राम मान लेते हैं 300 शेयर होल्ड करता है, होल्ड करता है, तो यहाँ एडवांस वाला तो देख ही नहीं रहे, ये फेल हो गया और ये यहाँ पे भी फेल हुआ और इसके शेयर फॉरफीचर हो गए, और इसी के शेयर को मैंने री इशू कर दिए, री इशू कर दिए, किसको कर दिए, मोहन को कर दिए। सर मोहन को कितने रुपए में बेच दिया, तो मोहन को मैंने बोला ले जा भाई तू, और तू ले जा इसे 8 रुपये में, 8 रुपये पर शेयर, पर शेयर 8 रुपये पर शेयर। सर शेयर को ना डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता, लेकिन शेयर को डिस्काउंट पे री इशू किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि 10 वाला शेयर अगर मैं स्टार्टिंग में बोलूँ ना कि 10 वाला शेयर मैं 9 में बेच रहा हूँ, तो कंपनी लॉ हमें अलाउड नहीं करता, लेकिन एक बार किसी से आपने शेयर ले लिया उसके बाद 10 वाले को आप 9 में भी बेच सकते हो, 8 में भी बेच सकते हो, लेकिन मैक्सिमम शेयर फॉरफीचर अकाउंट तक ही बेच सकते हो, उससे ज़्यादा का नुकसान नहीं दे सकते आप वहाँ पे। तो चलिए सर देखते हैं, री इशू की भी एंट्री सीखेंगे। पहला एंट्री, फर्स्ट एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने आएंगे, 300। सारा मांगा है हमने इससे, 2-3, ये भी मांगा, ये भी मांगा, ये भी, तो पूरे आ जाएंगे ये, यानी 10। सर 3,000 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, तीन सौ, सिर्फ इसने यही दिया 5, तो इंटू 5 1500। टू कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, हाँ जी, अरे इसमें था ही नहीं एडवांस, होल्ड से मतलब नहीं है, मैंने इसलिए जानबूझ के लिखा होल्ड। भाई अप्लाई अलॉटेड तभी होता है जब हमारा शेयर ज्यादा मांगे कम मिले, यहां तो 10 को 10 मिले हैं, चाहे होल्ड बोल दूं एप्लीकेंट, तो यहाँ बस सिंपल रहेगा अप्लाई, अगर इसने बोला होल्ड 300 तो मिल, मांगा भी 300 ही होगा इसने यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब री इशू का ध्यान से देखिएगा, मैं वाइट से कर रहा हूँ री इशू। जब री इशू करेंगे तो मेरे पास बैंक में पैसा आएगा सर, बैंक में पैसा आएगा सर, बैंक में कितना पैसा आएगा, कितने का बेचने जा रहा हूँ मैं, 8 रुपये का बेचने जा रहा हूँ, तो बैंक में पैसा आएगा हमारा 10,000, 10,000 इंटू में 8, दैट इज आपका अकाउंट डेबिट कितने, अच्छा 10,000 मैंने गलत लिख दिया, 300 लिखना है यहाँ, कितना लिखना है, 300 लिखना है, 300 इंटू में 8 दैट इज 2400। और इसको कैपिटल पूरा देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल। सर अब यहाँ पे मेरे को नुकसान तय करना होगा, सर नुकसान कितना हुआ, तो आप ध्यान से देखिए नुकसान कितना हुआ, आपने 10 वाला शेयर कितने का बेच दिया, 8 का, तो यहाँ 2 रुपये का नुकसान हो गया। उस नुकसान की भरपाई, जैसे हम फायदा कमा रहे थे तो हमने शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट कर दिया था, जब नुकसान होगा तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट कर देंगे,
क्या होगा सर, 300 गुना में 2, तो यानी सर ये हो जाएगा 600 और इक्विटी शेयर में आ जाएगा टोटल 3000। ये हो गया री इशू। तो जब फोर फीचर होगा तो री इशू होगा तो एक नया एंट्री जनरेट होगा फाइनल प्रॉफिट का। फाइनल प्रॉफिट का मतलब आपने अल्टीमेटली इस काम को करके क्या करा, तो सर मैंने 1500 कमाए। इस एंट्री का मतलब क्या है, 1500 रुपये आपने कमा लिए, और इस एंट्री का मतलब क्या है, 600 का नुकसान कर लिया। तो अल्टीमेटली यहां पे चला जाएगा शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। टू कैपिटल रिजर्व कितना जाएगा सर, 1500 रुपये कमा लिए और माइनस में 600 का नुकसान कर लिया, दैट इज आपका जाएगा 900, दैट इज आपका जाएगा 900 रुपये। ये हमारा शेयर फॉर फ्यूचर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर बींग नहीं लिख रहे, तो मैं बींग बता देता हूँ। शेयर फॉरफिटेड और शेयर री इशू और शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट मैंने बोल दिया है, बाद में वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हैं। पहले बताइए, पहले बताइए कोई डाउट। फुल फ्लैश जब तक छोटे नहीं होंगे तो फुल फ्लैश कैसे करेंगे। फुल फ्लैश पीछे देखा वहां पे दिक्कत आ गया, क्योंकि मैं पहले पूरे पूरे कॉन्सेप्ट करवा दूं आपको। फुल फ्लैश एक बार कॉन्सेप्ट होगा छोटे मोटे तो आपको ही दे दूंगा मैं, सारे फुल फ्लैश ही क्वेश्चन करूंगा फिर। तो एग्जाम्पल नंबर टू देखिए, इशू किया 5000 शेयर, 10 रुपए का एक था इसके अंदर, 3 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए। यहां पे राम फेल हो गया, इसके शेयर ये यहां पे भी फेल हुआ, शेयर फॉरफीचर लास्ट में हुआ, री इशू हो गया। ओनली सर इसके 300 शेयर फेल हुआ, लेकिन इसमें से हमने सिर्फ 100 शेयर री इशू किया एट द रेट, एट द रेट मैंने 9 रुपए, एट द रेट 9 रुपए, पूरे शेयर री इशू नहीं किए, थोड़े से कम किए, ध्यान दीजिएगा। एंट्री क्या होगा, एंट्री क्या होगा, सबसे पहले होगा हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल सर कितने रुपए, 300 शेयर इंटू में 10, 3000। टू में शेयर फॉर फ्यूचर कितने लिए, इसने सिर्फ 3 ही तो दिए, 300 गुना में 3, 900। टू कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कितने, बाकी के 5 और 2 7, 300 इंटू में 7, दैट इज 2100।
दैट इज 2100। कोई दिक्कत यहां तक समझ में है? यहां तक क्लियर है। अब री इशू करते हैं, मैंने कितने री इशू किए इसमें से? सिर्फ 100। तो बैंक में जो पैसा आएगा, जो बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट सर 100 शेयर का, और एक शेयर कितने का? 9 का, दैट इज 900। यहां भी नुकसान है हमारा, 10 वाला शेयर 9 में दे रहे हैं, तो शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, नुकसान होगा तो फोर फीचर को डेबिट करो, फायदा होगा तो क्रेडिट करो, तो इनटू में 1 दैट इज 100, और 2 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितने? 1000। अब एक और एंट्री करना है जिसमें हमें लॉजिक लगाना है, ठीक है ना? एक और एंट्री करेंगे जिसके अंदर हमें दिमाग लगाना है, तो यहां से मैं पहले इसके बंद कर दूं, यहां करेंगे, ठीक है? अब ध्यान दीजिए, अगर देखा जाए नॉर्मली तो हमने 900 कमाए और मेरा 100 का नुकसान हो गया, लेकिन आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते कंपेयर? क्योंकि ये कमाई है 300 शेयर पे और ये नुकसान है 100 शेयर पे, तो हम दोनों को पैरेलल कंपेयर कर सकते हैं, तो इन दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो हमें ना प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा कि 100 अगर फोर फीचर होते तो कितना कमाते, समझ रहे हो बात आप? तो हमारा जो प्रॉफिट है, यानी शेयर फोर फीचर से जो हमारा प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को पहले हमें सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा सर? आपने कमाए 900, कितने शेयर पे कमाए? 300, और आपको जानना कितने शेयर पे है? 100 शेयर पे, तो कितने हो गए ये? 300, 300 रुपये हो गए, है ना? 300 कमाया। अब यहां से कंपेयर करोगे सर, लॉस लॉस अब कंपेयर होगा 100 रुपये का, यानी सर आपका फाइनली 200 रुपये का आपका प्रॉफिट हुआ। 200 का प्रॉफिट हुआ, वो चला जाएगा शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व कितना? 200। आपका क्वेश्चन आएगा सर यहां तो ऐसा कुछ नहीं किया आपने, तो यहां री इशू भी तो मैंने क्या करा, सारे कर दिया, मैंने बोला नहीं चलो बोल देता हूं ऑल शेयर री इशू है। ये वाला वर्किंग नोट, ये वाला कैलकुलेशन तभी कामयाब है जब आपके शेयर कितने हो? कम री इशू हो, जब आपके शेयर कम री इशू हो। तो ये एक तरीके से, कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये फॉर्मूला है क्या? हाँ बिल्कुल, आपका एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए, समझ लो कैसे निकालोगे एक्चुअल प्रॉफिट शेयर फोर फीचर से, जब आपके कम होंगे, आपका शेयर फोर फीचर अमाउंट, शेयर फोर फीचर अमाउंट डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय क्या होगा? डिवाइडेड होगा टोटल शेयर, टोटल शेयर जितना फोर फीचर हुआ है इनटू री इशू। री इशू मैंने यही किया है, देखो शेयर फोर फीचर अमाउंट 900, टोटल शेयर कितने थे? 300, इनटू में री इशू नंबर, तो री इशू कितने थे? 100, तो ये प्रॉफिट निकल के आ गया, तो ये प्रॉफिट निकल के आ गया। देखिए इस सवाल में कोई डाउट? ये थोड़ा सा अलग सवाल हो गया हमारा, कोई डाउट बताइए। हाँ अभी बेचेंगे ना, रुक जाओ। बच्चे कह रहे हैं सर 200 प्रॉफिट होगा, हाँ तो 200 ही लिखा है मैंने। क्लियर? चलिए बच्चा है।
चलिए एक और एग्जांपल। बच्चों का कहना है सर एक बार ये बता दो प्रॉफिट। मैं दोबारा प्रॉफिट बता देता हूं। प्रॉफिट का कंसर्न क्या है कि जब कभी भी, ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आपका शेयर फॉर फीचर आपका हो जाए और जब उसको रीइशू करने जाए तो जितना फॉर फीचर हुआ उससे कम रीइशू करें। जो भी फॉर फीचर होगा उससे कम का रीइशू करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा सर? जितना फॉर फीचर हुआ अगर उससे हम कम का रीइशू करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा कि हमें कंपैरिजन में दिक्कत होगी। यहाँ पे फॉर फीचर था हमारा 300 और रीइशू भी आपका था 300, तो हमने फटाक से कंपैरिजन कर लिया, 1500 माइनस 600 बचा 900। यहाँ पे फोर फीचर कितना है 300, रीइशू कितना है 100, तो अब कंपैरिजन नहीं बन पाएगा। तो जो फोर फीचर का आपका अमाउंट है उसको कन्वर्ट करोगे। कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला समझ लो, कुछ भी समझ लो। तो मैंने शेयर फोर फीचर से जो प्रॉफिट कमाया कन्वर्ट किया, 900 रुपए कमाई डिवाइडेड बाई 300 कर दिया तो एक शेयर पे कमाई हो गया। हमें जानना कितने शेयर पे, मल्टीप्लाई 100 कर दिया तो 300 शेयर पे कमाई पता चल गया, तो सॉरी 300 रुपए की कमाई हो गई। अब नुकसान की बात करें तो लॉस कैसे आया सर? आपको पता है 100 शेयर पे 1 रुपए का नुकसान है तो 100 का नुकसान हो गया, तो अल्टीमेटली देखा जाए तो आपको 200 का बेनिफिट मिला और यही 200 रुपए आपका शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व में चला गया। कोई दिक्कत बताइए। एक और क्वेश्चन देख ले, ठीक है? चलिए इशू किया हमने 10,000, 10 रुपए का एक, इसमें से 2 रुपए, 5 रुपए और 3 रुपए, राम फेल हो गए। फेल कितने शेयर में? 500 शेयर में। ऑल शेयर क्या कर दिए? रीइशू कर दिए सर। अब यहाँ आसानी होगा, एट द रेट 11 रुपए, अब हमने 11 का बेच दिया, ठीक है। एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बताइए इसका सारा मांगा हुआ है तो सर कितने? 500 इंटू में 10 मतलब 5,000 शेयर फॉर फीचर क्रेडिट होगा। टू शेयर फॉर फीचर कितने होंगे? 500 गुना में, अब सिर्फ दो ही तो किए हैं तो कितने आ गए? 1,000 एरियर में ये दोनों चला जाएगा। टू कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कितने हो गए? 500 मल्टीप्लाई 8 कितने हो गए? 4,000। अब हमने इसको रीइशू कर दिया सर तो बैंक में पेमेंट आएगा, बैंक में पेमेंट आएगा। कितना पेमेंट आएगा? 11 का बेचा है तो बैंक में पेमेंट आ जाएगा 5,500। 11 का बेचा है तो बैंक में पेमेंट आ जाएगा 5,500 रुपये। अगर बैंक में पेमेंट 5,500 रुपये आ गया है हमारा तो बड़ी सीधी सी बात है सर, बैंक में पेमेंट 5,500 आया तो 10 वाला शेयर अब हमने 9 में तो बेचा नहीं, 10 वाला शेयर 11 में बेचा तो नुकसान तो नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे है फायदा। और फायदे को हम कहाँ लिखते हैं सर? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है टू सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, 1 × 500 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम 500 और टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का हो गया सर? इक्विटी शेयर कैपिटल 5,000 रुपये का हो गया। अब जाते हैं कैपिटल रिजर्व में तो अब हमारा फायदा यहाँ पे 1,000 का। ये वाला फायदा का नाम अलग है तो इसे जोड़ना नहीं है। इस फायदे का नाम क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम। इस फायदे का नाम क्या है? शेयर फॉर फीचर। तो दोनों को ऐड मत कर देना तो हमारा सिर्फ फायदा जो देखा जाएगा ना वो शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व जो होगा
वो ओनली ओनली 1000, वो तो आपका दूसरे हेड में चला जाता है, तो यहीं तक ये रहने वाला है। बताइए कोई डाउट, समझ में आया? तो मैंने ना छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके कोशिश किया, अभी प्रीमियम वाला पार्ट डाला नहीं है, बड़े छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके मैंने कोशिश किया है, पहले आपको शेयर फॉर फ्यूचर और री इशू का कॉन्सेप्ट डेवलप करूं मैं। अगर ये समझ में आ गया तो फिर हम फुल फ्लेज क्वेश्चन पे आएंगे, क्योंकि बीच में रुकने का फायदा है नहीं। कोई कोई दिक्कत?